बाकी आम कार्यकर्ताओं के घर पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। यही सब हैं जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक सब लेकर आए अपनी मेहनत से, इन्हीं सब के साथ से अपना पार्टी को और ऊपर तक लेकर जाना, यही उम्मीद है। नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी चिराग पासवान यहां आए हैं आम कार्यकर्ताओं से मिलने। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? संतोष कुमार। क्या कहना चाहेंगे चिराग जी, आज मिलने के लिए आए आपके घर? बहुत खुशी हुआ हमें। क्या नाम हुआ चाचा जी? हमारा नाम हुआ दिनेश पासवान, लोजपा का प्रदेश सचिव ऑल इंडिया है। चिराग पासवान के आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद हम जमंगला कृपा प्रसिद्ध दिए, वो निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। हाँ, मेरा कहना है कि क्षेत्र 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा घूमिएगा तब न कुछ होगा कि एक एक विधानसभा से तुम वोट से जीत जाइए। 7 विधानसभा में चिराग पासवान घूमिएगा तब निकलिएगा, 7 विधानसभा नहीं घूमिएगा नहीं निकलिएगा। और हम दिनेश पासवान, साइकिल से ऑल इंडिया घूमते रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। क्या कहिएगा चिराग पासवान को? चिराग पासवान जी ऐसा अभी नेता उभरे हैं और बेटर रहेंगे, और के लिए बेटर रहेंगे, सब काम सुचारू ढंग से रामविलास जी के तरह निभाएंगे। क्या नाम है बाबू? चिराग पासवान से मिले, देखे क्या बोले? कुछ बोल। बहुत अच्छा है। क्या नाम है तुम्हारा? आपके घर पे आए हैं। संदीप कुमार। संदीप कुमार, चलिए और भी लोगों से मैं बात करता हूँ। झकास भारत। चिराग पासवान जी अभी आम कार्यकर्ताओं के घर आए हैं, आपका क्या नाम हो भैया? संतोष। चिराग पासवान जी आप लोगों के घर पे आए हैं, क्या कहिएगा? फिलहाल युवा का नेता है, देश का नेता है, बहुत अच्छे हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं ये। अच्छा, मैं अभी बात करता हूँ। क्या नाम हुआ सर? ओम प्रकाश भारती। कैसा महसूस कर रहे हैं चिराग पासवान? बहुत खुश की बात है, आज मेरे दरवाजे पे आ गए। आज मतलब और क्या कहिएगा चिराग जी? खुश है, खुश है, बहुत खुश है। बहुत, क्या क्या व्यवस्था की है चिराग जी के लिए? नाश्ता पानी सब चीज की व्यवस्था है, सारा व्यवस्था है। इन्हीं के घर पे आए हैं, नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश भारती, कार्यालय प्रभारी, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार। आम कार्यकर्ताओं के भी घर चिराग पासवान जाते हैं? एकदम, सबके घर जाते हैं, हम भी आम कार्यकर्ता ही हैं। पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं, ठीक है आप जाइए तैयारी कीजिए। यहाँ पर देख रहे होंगे तमाम लोग अभी यहाँ पर चिराग पासवान जी इस घर में आए हैं, तो आम कार्यकर्ता हैं ये, और इन लोगों के घर पे आए तभी से ये लोग अपना खुशी मना रहे हैं। और चिराग पासवान जी अभी इसी रूम में हैं, मैं मिलवाने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हुआ भाई साहब? अश्नाथ गनी। अच्छा अच्छा, देख रहे होंगे चिराग पासवान जी अभी यहाँ पर हैं। क्या उल्लास जी, नमस्ते, क्या बोलिएगा आज आम कार्यकर्ताओं के यहाँ आए? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोग अपने पार्टी के परिवार के सदस्यों की तरह लग रहा है कि हम अपने घर में आए हैं, अपने पार्टी के पुराने सदस्यों से मिलकर हम लोगों को भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। और जिस तरीके से अपार जन समर्थन इस आशीर्वाद यात्रा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिल रहा है, अब ये तय है कि आने वाले समय में बिहार का इतिहास भी बदलेगा और बिहार की राजनीति भी बदलेगी। चलिए मैं चिराग जी से एक मिनट बात करना चाहूँगा यहाँ पर, चिराग जी से जस्ट। चिराग जी, आम कार्यकर्ताओं के घर पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। यही सब हैं जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक सब लेकर आए अपनी मेहनत से, इन्हीं सब के साथ से अपना पार्टी को और ऊपर तक लेकर जाना, यही उम्मीद है। आपका ताकत और लगातार बढ़ रहा है, जैसे जैसे घूम रहे हैं ताकत और बढ़ रहा है? ताकत नहीं, आशीर्वाद है, बिल्कुल आशीर्वाद मिल रहा है सबका। हाँ। और इसी उम्मीद के साथ मैं आया अभी हूँ कि सबका आशीर्वाद मुझे मिले जी। और अब कहाँ निकलना है भैया? अब खगड़िया। कैसे खगड़िया? जैसा कि चिराग पासवान ने कहा कि अब खगड़िया निकलेंगे, आम कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे और बताएंगे कि कैसे क्या यहाँ पर हो रहा है। और ठीक है, झकास भारत देखते रहिए, मैं तमाम खबरें दिखलाता रहूंगा चिराग पासवान से जुड़े हुए। और अभी के लिए इतना ही कहूंगा, इस जगह यहाँ पर आए थे।